रहा है तो आप हमें इतना दीजिए, जयपुर से बीकानेर बीच में कम से कम 12-13 थाने पड़ते हैं, आप सोनम डाली कीजिए, आपको कहीं भी किसी संबंध में आपकी जीवन पहले कीमत ही आपकी, आपके परिवार के लिए और सबके लिए, देश के लिए मानो। ये 2-3 दिनों में इतनी दुर्घटना की बसों ने की है, ये ड्राइवरों की लापरवाही से ज़्यादा दुर्घटना हुई है, तेज स्पीड में है, कुछ ही मानो आप। अगर आपके पास और ये दुर्घटना ड्राइवर कर सकता है या तेज स्पीड में चला रहा है तो आप उसको आप डायल कीजिए 100 नंबर पर, 112 पर कीजिए, और संबंधित थाने में आप मतलब इसमें डायल करके बता सकते हो कि ड्राइवर लापरवाही चला रहा है, उसकी हम कार्रवाई करेंगे। ये गाड़ियाँ बहुत तेज चलती हैं और इन गाड़ियों से हमें नुकसान होता है, सुबह दुर्घटना, क्योंकि आप लोग थोड़ा देर से घर पहुँच जाओगे लेकिन पहुँच जाओगे ये तो इंश्योर होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से ये गाड़ियाँ चलती है सही नहीं है। आपको लगता है कि गाड़ी तेज चल रही है या लापरवाही से चल रही है, आप बिल्कुल 100 नंबर पर डायल कीजिए, हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, क्योंकि आपकी ज़िंदगी हमारे लिए ज़रूरी है, आपके परिवार के लिए ज़रूरी है, देश के लिए ज़रूरी है। एक आदमी की गलती से हम जाने नहीं खो सकते, इसलिए हमारे करवद निवेदन है कि आप यदि कोई ऐसा आदमी है, ड्राइवर गाड़ी लापरवाही से चला रहा है, तेज चला रहा है, या आपको लगता है वो शराब पिया हुआ है, तो आप हमें इसकी सूचना दें, 100 नंबर डायल कर दें, जहाँ कहीं भी हो आप 100 नंबर डायल कर दीजिए, अपनी लोकेशन बता दीजिए, साहब मैं यहाँ से जा रहा हूँ और ये आदमी गाड़ी सही नहीं चला रहा, हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, क्योंकि आज ही हमने 10 से ज़्यादा जाने खो दी, कल भी एक तेज स्पीड की वजह से 4 जाने चली गई, सुबह 12 आदमी मरे यहाँ पर, अपने 2-10 से बस और ट्रक एक्सीडेंट हुआ, 12 आदमी मरे और सुबह बस 7 बजे, सिर्फ बस ड्राइवर के एक की लापरवाही से 12 जाने गई। हम ऐसा कभी रिपीट नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि हमें इन हाथों से गोटियाँ उठानी पड़ती हैं, हम नहीं चाहते किसी के घर का सिरा खत्म हो। आप लोग सुरक्षित पहुँचें, आप घर आराम से पहुँचें, इसीलिए आपको अवेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि हम हमारा बस में सफ़र नहीं कर सकते, लेकिन आप सूचना दोगे हम कार्रवाई करेंगे, इसलिए बड़ा मेहरबानी। आपको लगता है कि कोई ड्राइवर गलत चल रहा है, तेज चल रहा है, तो आप ड्राइवर कह सकते हो और आप फोन भी कर सकते हो। धन्यवाद। थैंक यू सर।